दोस्तों अयर ने जो जबरदस्त रिव्यू लिया उसके लिए लाइक जरूर करें। श्रीलंका द्वारा कटक में जारी पहले टीवीस इंटरनेशनल में पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित टीम इंडिया को तेज शुरुआत के बाद जोरदार झटका लगा है। टीम इंडिया ने 8 ओवर में 1 विकेट खोकर 65 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 36 और श्रेयस अय्यर 11 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। यहां से श्रेयस अय्यर ने केएल राहुल के साथ मोर्चा संभाला और स्कोर 50 के पार लगाया। अय्यर ने 6 ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े। पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद पर मैथ्यूज ने राहुल के खिलाफ LBW की अपील की। अंपायर ने राहुल का आउट दिया, जिस पर बल्लेबाज ने DRS की मांग की और रिप्ले के बाद वो सुरक्षित हुए। केएल राहुल ने LBW आउट होने के बाद में नॉन स्ट्राइक पर खड़े श्रेयस अय्यर से रिव्यू के बारे में पूछा तो अय्यर ने कहा कि नॉट आउट है, रिव्यू ले ले। जिसके बाद राहुल ने रिव्यू लिया तो पता चला कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी और राहुल नॉट आउट हुआ। जिसके बाद पवेलियन में खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने ताली बजाई और श्रेयस अय्यर की तरफ इशारा किया कि यार तू मेरे पर गया है, तू भी मेरी तरह बिल्कुल सही रिव्यू लेता है।